नमस्कार दोस्तों, सरकारी करियर्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी में आए हुए वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी अप्रेंटाइज ट्रेनिंग के लिए है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट शुरू होती है 25 फरवरी 2020 और यहाँ पर क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने की 10 मार्च 2020। और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर पहली वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पर 8 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और इसके बाद की ओपनिंग आई हुई है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पर 6 पोस्ट है। यहाँ पर एससी के लिए एक, एसटी के लिए भी एक, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और फिर इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पर 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर जॉब लोकेशन आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए ही है। एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। यहाँ भी आपका डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके बाद है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर 4 पोस्ट की वैकेंसी है। एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए भी 1 और जनरल के लिए 2 वैकेंसी है। और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर भी 4 वैकेंसी आई हुई है। एसटी और ओबीसी के लिए 1-1 पोस्ट है और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ भी आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए फुल टाइम में। इसके बाद है आपका डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर 6 पोस्ट की वैकेंसी है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1 पोस्ट हैं और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके बाद आता है बीएससी विद केमिस्ट्री, यानी कि जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री में किया हुआ है कंप्लीट, उनके लिए यहाँ पर 16 वैकेंसी है। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और जनरल के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में और मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए आपके। इसके बाद की वैकेंसी आई हुई है एलएलबी के लिए, जहाँ पर 2 अलग अलग पोजिशन में 2-2 पोस्ट की वैकेंसी है। एक है गुवाहाटी में और एक है नुमालीगढ़ में। दोनों के लिए यहाँ पर एसटी के लिए 1-1 है और जनरल के लिए 1-1 वैकेंसी है। यहाँ पर आपका डिग्री होना चाहिए लॉ में और मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपका 40% होना चाहिए। इसके बाद है होटल मैनेजमेंट और यहाँ पर 2 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है गुवाहाटी में। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ आपका डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में विद 40% मिनिमम मार्क्स। और सेम होटल मैनेजमेंट का 2 पोस्ट के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी में वैकेंसी है। एसटी के लिए 1 है और जनरल कैटेगरी के लिए भी 1 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ भी आपका डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में। इसके बाद आईटीआई की वैकेंसी आई हुई है वेल्डर के लिए, जहाँ पर 7 पोस्ट की वैकेंसी है। यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी में है। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1-1 है और जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं। यहाँ आपका 10th पास विथ आईटीआई 2 साल का होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। इसके बाद है आईटीआई फिटर का, जहाँ पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 6 वैकेंसी है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 1-1 है और जनरल कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है। यहाँ भी आपका आईटीआई होना चाहिए फिटर ट्रेड में। इसके बाद की वैकेंसी है आईटीआई मशीनिस्ट टर्नर में, जहाँ पर नुमालीगढ़ में 6 वैकेंसी आई हुई है। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 1-1 पोस्ट हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर आपका आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट या टर्नर ट्रेड में 2 साल का रेगुलर कोर्स। इसके बाद आता है आपका आईटीआई डीजल मैकेनिक में, 4 वैकेंसी है नुमालीगढ़ में। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 1-1 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए 3। यहाँ भी आपका आईटीआई होना चाहिए डीजल मैकेनिक ट्रेड में। इसके बाद आईटीआई प्लम्बर है, जहाँ पर 4 वैकेंसी है नुमालीगढ़ में। एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए भी 1 है और जनरल कैटेगरी के लिए 2 है। यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए आपका प्लम्बिंग ट्रेड में। अब वैकेंसी आती है ग्रेजुएशन बीकॉम की, जहाँ पे बीकॉम विथ अकाउंटेंसी के लिए 4 वैकेंसी है नुमालीगढ़ में। एसटी और ओबीसी के लिए 1-1 वैकेंसी है और जनरल के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। यहाँ आपका बीकॉम होना चाहिए अकाउंटेंसी के साथ में और का मिनिमम पासिंग परसेंटेज 40% होना चाहिए। सेम वैकेंसी है गुवाहाटी में, यहाँ पर 8 वैकेंसी आई हुई है। एससी, एसटी के लिए 1-1 है, ओबीसी के लिए 2 और जनरल के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ भी आपका बीकॉम अकाउंटेंसी में होना चाहिए विथ मिनिमम 40% मार्क्स। फिर आता है बीएएमए विथ मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के साथ में, जिन्होंने कम्प्लीट किया है उनको
उनके लिए गुवाहाटी में दो वैकेंसी है, ओबीसी और जनरल के लिए एक एक वैकेंसी है। यहाँ आपका बीए या एमए अगर आपने किया है मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के साथ में और आप मिनिमम पासिंग परसेंटेज 40 है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है एमबीए इन मार्केटिंग। गुवाहाटी में दो वैकेंसी आई हुई है, एससी और जनरल के लिए एक एक है। यहाँ पर आपका एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट फील्ड में। लास्ट वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग के लिए है, नुमालीगढ़ में दो वैकेंसी है। एसटी और जनरल के लिए एक एक वैकेंसी है। यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग में होना चाहिए विथ मिनिमम 40% मार्क्स। ऐसा करके टोटल यहाँ पर 101 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा और नेसेसरी डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक साल के लिए है और यहाँ पर उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्वालिफाइंग एग्जाम के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 17,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा और उनको कैंटीन अलाउंस मिलेगा 1,415 रुपये और ITI जिन्होंने ITI किया है उनके लिए 12,200 रुपये प्रति माह और कैंटीन अलाउंस मिलेगा सेम 1,415 रुपये। यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी अपर एज नहीं रखा गया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। हमने इस वैकेंसी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर कंप्लीट चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।